हाय हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक BTS आर्मी हैं और आप BTS मेंबर को फॉलो करते हैं, यानी कि अगर आप BTS मेंबर से रिलेटेड हर न्यूज की वीडियो को देखते होंगे, तो आपने काफी टाइम ओली लंदन का नाम भी सुना होगा और उनके BTS को लेकर काफी सारे स्टेटमेंट भी सुने होंगे, जो कि एक बहुत ही बड़ी BTS आर्मी है। लेकिन फ्रेंड, जिन्होंने अपने पास्ट में जिमिन को लेकर काफी बड़ी गलती कर दी थी, जिससे ये खुद भी काफी ज्यादा परेशान थे और इनकी इन्हीं सब गलतियों के वजह से कहीं ना कहीं जिमिन को भी काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो गई थी, क्योंकि BTS मेंबर कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनके वजह से किसी को भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो। और जैसा कि हमेशा ही ये देखा जाता है कि गलती करने वाले को टाइम आने पर अपनी गलती समझ में आ ही जाती है, तो इसी तरह का सेम केस ओली लंदन के साथ भी देखने को मिला था। तो फ्रेंड्स, अगर आप जानना चाहते हैं कि ओली लंदन कौन है और इन्होंने BTS मेंबर को लेकर कैसी गलती की थी, तो मेरे वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा BTS के आगे लेटेस्ट न्यूज को जानने के लिए। साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो फ्रेंड, दरअसल हुआ ये था कि ओली लंदन एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपनी काफी सारी सर्जरी करा रखी है, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जिमिन के फेस को कॉपी करना चाहते थे, जिसके वजह से BTS के फैंस यानी कि BTS आर्मी के बीच ओली लंदन की एक इमेज काफी ज्यादा खराब हो गई थी। और काफी सारे BTS आर्मी ओली लंदन से नाराज भी हो गई थी, क्योंकि काफी सारी आर्मीज का ये मानना था कि ये काफी टाइम से हमारे बेचारे जिमिन के पीछे पड़े हुए थे। और सिर्फ पीछे पड़ना ही नहीं, उन्होंने अपनी एक्टिविटी के वजह से जिमिन को मेंटली प्रेशर में भी डाल दिया था, जिससे जिमिन अपनी काफी सारी चीजों को नॉर्मली और फ्रीली नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि बार बार अपने फेस की सर्जरी कराकर इन्होंने अपनी लाइफ तो डिफिकल्ट बना ही लिया था, लेकिन वहीं जिमिन भी काफी ज्यादा परेशान हो गए थे, क्योंकि इनकी इन सब हरकतों की वजह से जिमिन की काफी ज्यादा इंसल्ट हो रही थी, क्योंकि काफी सारे हेटर्स का ऐसा कहना था कि ओली लंदन के इन सब हरकतों की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ जिमिन है, क्योंकि जिमिन के ही फेस को कॉपी करने की कोशिश के वजह से बेचारे ओली लंदन की ऐसी बुरी और दुखद हालत हो गई थी। लेकिन फ्रेंड्स, अभी कुछ टाइम पहले ही ओली लंदन ने जिमिन के पीछे पड़ना बंद कर दिया है और उनसे दूरी बनाना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन फ्रेंड्स, अपनी गलती रियलाइज होने के बाद ये न्यूज सामने आई कि ओली लंदन ने ऑफिशियली जिमिन को सॉरी कहा है, यानी कि माफी मांगा है। फ्रेंड्स, यही नहीं, इनफैक्ट BTS मेंबर के साथ साथ BTS आर्मी से भी उन्होंने दिल से माफी मांगी है और अपने दिल की बात आर्मीज के साथ शेयर की है। फ्रेंड्स, ओली लंदन के दिल की बात और सैडनेस को सुनने के बाद काफी सारे आर्मीज भी इमोशनल हो गए, क्योंकि आर्मीज को ऐसा लग रहा था कि शायद वो ओली लंदन के बारे में काफी गलत थी और बिना किसी गलती के ही बेचारे ओली लंदन को हिट कर रही थी और उनके लिए बुरे बुरे वर्ड्स यूज कर रही थी, यानी कि वो काफी टाइम से ओली लंदन को काफी ज्यादा गलत मार रही थी और उनका ओली लंदन को लेकर ऐसा सोचना काफी ज्यादा गलत था। फ्रेंड्स, ओली लंदन ने अपने यूट्यूब के चैनल पर अपनी एक वीडियो पोस्ट करी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि वो काफी ज्यादा शर्मिंदा है, क्योंकि उन्होंने जिमिन के फेस को कॉपी करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से हमारे बेचारे BTS की स्माइली किंग यानी कि जिमिन को भी काफी सारे हेट और इंसल्ट का सामना करना पड़ा था। जिसके बाद ओली लंदन ने आर्मीज को कहा कि उन्हें अब रियलाइज हो चुका है कि उनका ऐसा करना और सोचना काफी ज्यादा गलत था, और बार बार सर्जरी कराकर जिमिन जैसा दिखना ये पूरी तरह गलत बात थी। फ्रेंड्स, उन्होंने बताया कि पास्ट में वो जिमिन को लेकर काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गई थी, लेकिन उन सब बातों को लेकर वो ज्यादा कुछ तो नहीं कर सकते, पर आर्मी से और BTS मेंबर से सॉरी जरूर कहना चाहेंगे। फ्रेंड्स, इसके बाद ओली लंदन ने इन सब किए हुए गलतियों के पीछे का रीजन भी बताया और कहा कि एक्चुअली अपने फेस और अपने लुक की वजह से उनको स्कूल से ही काफी ज्यादा हेट मिल रहा है, और जब वो एक BTS आर्मी बने तो वो उस टाइम जिमिन से इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गए थे कि उन्होंने सोचा कि अगर वो सर्जरी कराकर जिमिन जैसे दिखने लगेंगे तो लोग उनसे भी प्यार करने लगेंगे और BTS मेंबर की तरह उनके भी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करने लगेंगे और साथ ही साथ उनकी इंसल्ट भी नहीं करेंगे, जो कि वो हमेशा से चाहते हैं और हमेशा से उनकी यही विश रही है कि लोग उनके रिस्पेक्ट करें। लेकिन फिर जैसे ही उनकी शादी हुई और वो अपने वाइफ से मिले, तो उन्हें ऐसा लगने लगा कि वो किसी की तरह बन नहीं सकते, इसके लिए वो कितनी भी सर्जरी क्यों न करा ले, उन्हें अपने रियल फेस को ही पसंद करना होगा और अपने रियल पर्सनालिटी से ही वो किसी को इम्प्रेस कर सकते हैं और किसी को प्यार दे सकते हैं, और इसीलिए उन्हें अपने रियल पर्सनालिटी से प्यार करनी चाहिए और उसे ही प्रायोरिटी देनी चाहिए। फ्रेंड्स, देखा गया कि जब ओली ने अपने यूट्यूब के थ्रू जिमिन को लेकर अपने थॉट्स आर्मीज के साथ शेयर किए, तो उन्हें आर्मीज ने काफी ज्यादा हेट दिया, और तभी से वो कोशिश कर रहे हैं कि वो खुद से प्यार कर सके और अपने आइडेंटिटी को और भी ज्यादा इम्प्रूव कर सके और जिमिन
स्टेटमेंट को भूल सके। और इसके साथ ही साथ ओली के इन सभी स्टेटमेंट को सुनने के बाद आर्मीज ने फील किया कि एक्चुअली ओली अंदर से कितने ज्यादा अच्छे हैं और इतने दिनों से वो खुद को कितना ज्यादा अकेला फील कर रहे थे। और इतना ही नहीं, वो एक्चुअली में बीटीएस के रियल आर्मी है और शायद इसीलिए वो जिमिन की तरह बनना चाहते थे। जिसके बाद अब काफी सारी आर्मीज का ये मानना है कि वो एक्चुअली में एक ट्रू बीटीएस आर्मी बने हैं, क्योंकि अब उनकी सोच बिल्कुल बीटीएस मेंबर से मिल रही है कि अपने खुद की पर्सनालिटी से प्यार करो। तो फ्रेंड्स, क्या आपने इससे पहले ओली लंदन के किसी भी स्टेटमेंट को सुना था या फिर नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।